नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीज़न टीवी में स्वागत है। मीरा भाईंदर के माजी आमदार नरेंद्र मेहता, उनका कल 25 सितंबर को जन्मदिन है और आज उन्होंने एक पत्रकार परिषद बुलाकर पत्रकारों से बात की और उस पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा है कि वो अपने जन्मदिन के साथ ही मीरा भाईंदर की राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि मीरा भाईंदर में जिस तरह से भाजपा दो गुटों में बटी है, उसको एकत्रित करके मीरा भाईंदर में भाजपा को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे वो। और साथ ही उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। आइए जानते हैं उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीरा भाईंदर शहरवासियों से और बाकी के लोगों से क्या बातें कही हैं। इस शहर के जनता का बार बार एक निवेदन था, या निवेदन से ज़्यादा कि उनका एक प्रेम था, और बार बार मुझे वो कहते थे कि आपको राजनीति में फिर से सक्रिय होना चाहिए। शहर के सारे काम ठप्प पड़े हुए हैं और उनका विश्वास है मुझ पर कि मैं आऊँगा तो शायद ये फिर काम को गति मिलेगी और शुरुआत होगी। और उन्होंने पिछला मेरा काम देखा हुआ है, इसलिए उनकी उम्मीद मुझसे बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ जिस पार्टी को मैं बिलोंग करता हूँ, उस पार्टी के सभी कार्यकर्ता की इच्छा है कि मैं फिर से सक्रिय भूमिका लूँ। अब वो शांति वाली भूमिका घर बैठ के चलाना उस तरह से नहीं होगा, आपको सक्रिय होना होगा इस पार्टी को और संगठन को मजबूत करने के लिए। इसके लिए निर्णय लिया कि कल 25 तारीख मेरा जन्मदिन है और उस दिन से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता है, तो फिर एक बार इस शहर के लिए जन्म ले रहा हूँ, इस शहर को विकसित करने के लिए। अब मैं आया हूँ तो कोई घटवट रहने वाला नहीं है, और फिर से एक ताकत और एक झंडे के नीचे हम काम करेंगे। देखिए, जिला अध्यक्ष तो हमेशा साथ में रहता ही है ना पार्टी के अंदर, ऐसा ही ना। मैं था तब भी जिला अध्यक्ष था, मेरे बाद भी जिला अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष के साथ ही पार्टी काम करती है। देखिए, काम करने के लिए आदमी लगते हैं ना, कार्यालय तो कोई भी हो, आपका कार्यालय देखे तो वहाँ से शुरू कर दूंगा, लेकिन वैसे यहाँ पे मेरी ऑफिस के नीचे कार्यालय है तो वहाँ से फिर से जोर शोर से शुरू करूँगा। वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मैंने लिया है और समय आने पे वो ज़रूर इस शहर के अंदर आएंगे, नहीं कोई काम निमित्त आएंगे। अब बर्थडे वगैरह के लिए बड़े नेता को बुलाना मुझे उचित नहीं लगता। जिम्मेदारी तो मैं ही कह रहा हूँ कि मैं कल से सक्रिय हो रहा हूँ, अब जब सक्रिय होऊंगा तब वो देंगे। मैं ले ही नहीं रहा था तो वो दे नहीं रहते, और मेरा था ही नहीं तो इस बारे में कोई चर्चा भी कभी नहीं थी। अब कल के बाद ये शुरुआत होगी। नहीं, मैंने ये सिंपली कहा, देखिए अगर मुझसे व्यक्तिगत नाराज़गी किसी की है तो उसको मैं ख़त्म करने का प्रयास करूँगा, लेकिन मैंने अभी स्पष्ट रूप से अब भी कहता हूँ, जो है वो सुन भी ले, अगर पार्टी से किसी ने गद्दारी की है और जनता से, जिन जनता ने चुन के दिया, अगर उनसे गद्दारी की है तो उनको मैं जब तक पार्टी में कोई माफ़ी नहीं। क्योंकि मीरा भाईंदर के अंदर आप जानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इतना बड़ा परिवार, इतने नगर सेवक, और वो कुछ चीज़ें रहने वाली है, वो रहने वाली है, ख़त्म करने का हम प्रयास करते रहेंगे, लेकिन ये सब चलते रहता है, उससे कोई शहर के डेवलपमेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा और संगठन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस बात का स्टंट था? चुनाव था क्या स्टंट लेने के लिए? स्टंट किस बात का था? मैंने, अगर आप मेरा स्पीच सुनेंगे तो अभी भी है, मैंने लाइन, आखिरी लाइन सुनिए, मैंने ये कार के राजीनामा दिया था कि मेरी गलतियों के कारण पार्टी क्यों जवाबदार बने, इसके लिए मैं अपने पदों से राजीनामा देता हूँ। मेरा ये तो स्टंट क्या है उसमें, आप समझ के चलिए। आपको क्या लगता है मेरे कार्यकाल में काम हुए? अगर आपको मौका मिलेगा तो नहीं, यही जनता की सोच है, आप समझ। मैंने कहा कि मेरे वापस आने का सबसे बड़ा कारण जो था कि इस शहर की जनता से मैंने पूछा था, लोगों ने भले उसको स्टंट कहा होगा, लेकिन मैं जानना चाहता था कौन है। अब मैं आप में से 10 लोगों को पूछता हूँ कितने हो जाता, अगर आप मेरे को 9 लोग बोलेंगे कि वापस आओ तो फिर आप उसको स्टंट कहेंगे क्या? मुझे करीबन 70,000 लोगों ने कॉल किए, उस मतलब कॉल, व्हाट्सएप और मैसेज सब मिला के 70,000 थे, ये जनता का मुझे रहा। मैंने क्या कहा, ये चेतावनी और कोई कहने की बात नहीं ना, ये स्वाभाविक है ना। एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत ऑफिस में भी कोई काम करता है, अगर उसने गलत किया है तो स्वाभाविक है, उसका निर्णय लेना ही पड़ेगा। उसी तरह से मैंने कहा कि मुझसे क्या क्या उसका कोई फ़र्क नहीं गिरता, वो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, लेकिन पार्टी से गद्दारी और जनता से गद्दारी, जनता से गद्दारी की व्याख्या ये है कि जो विश्वास का जनता से चुनको दिया था और उस पर वो खरे नहीं उतरे, तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों के बारे में निर्णय लेना ही होगा और वो लेंगे।
नरेंद्र मेहता ने मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की बात कही और साथ ही उन्होंने कहा है कि मीरा भाईंदर ही नहीं हर जगह पार्टी में वाद विवाद होता है, लेकिन ये वाद विवाद उनका किसी के साथ व्यक्तिगत नहीं है, पार्टी लेवल पर है। लेकिन पार्टी में आने के बाद, सक्रिय राजनीति में आने के बाद इस मन मुटाव को ख़त्म किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने सभी पत्रकारों से मांग की है और बातें कही हैं कि उनके व्यक्तिगत किसी भी मुद्दे को पेपर में या फिर न्यूज़ में ना चलाएं, अगर वो कोई गलती करते हैं तो उसके बारे में जनता तक अवश्य पहुँचाएँ, लेकिन उनके व्यक्तिगत चीज़ों पर टीका टिप्पणी ना करें। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे।